हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे झूठन के बारे में, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ऑटोबायोग्राफी है। इसको 1997 में लिखा गया था। तो बेसिकली कैसे उनका जो एक पूरा जर्नी है लाइफ का, चाइल्डहुड से लेकर एक गवर्नमेंट ऑफिस तक, वो इस नॉवल में या फिर जो बुक है उसमें ट्रेस किया गया है। अगर हम इस बुक की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है कि कैसे उन्होंने एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी से निकल कर एजुकेशन के थ्रू अपना क्या किया, एक जो गवर्नमेंट जॉब है उसको सिक्योर किया और फिर उनका जो लाइफ है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसको ही आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वो अपनी नॉवल को। सबसे पहले तो वो अपना डिलेमा प्रेजेंट करते हैं कि जब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे तो इनको एक डिलेमा था और उनके फ्रेंड्स ने भी उनको बोला कि तुम्हारा अभी इतना एज भी नहीं हुआ है और तुमने ऐसा अचीव ही क्या किया है कि आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है यहाँ पर कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है और फिर कब लिखना चाहिए इंसान को। तो ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए ऐसा कोई आपके पास ग्रैंड अचीवमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ ग्रैंड किया है नहीं किया है, क्योंकि जो आपके लिए ग्रैंड है वो किसी और के लिए ग्रैंड हो या ना हो, दैट डजेंट मैटर एट ऑल। क्योंकि उनके लिए खाना एक टाइम पे ये था कि उनको खाना ही नहीं मिल रहा था। अब उनके लिए खाना अचीव करना वॉज अ ग्रैंड थिंग, लेकिन हमारे लिए खाना इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बैठकर ये नहीं कह सकती कि खाना अचीव करना एक बड़ी चीज़ है या फिर कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी एक डायमेंशंस के अंदर नहीं रख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ को आप अगर अचीव कर लेंगे तो आप ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यू कांट राइट दैट। तो वो इस डिलेमा से हटकर चूज़ करते हैं टू राइट, और जब वो चूज़ करते हैं लिखने का तो ही वो बहुत ही एक एम्पावर्ड सी स्टेट में दिखते हैं, क्योंकि अपने जो पेन्स हैं उनको लिखना, उनको लोगों तक पहुंचाना ही इस बहुत हिम्मत की बात, कि आप अपनी लाइफ को ही पब्लिक के सामने रख रहे हैं बिना ये सोचे कि कौन क्या सोचेगा, तो बहुत ही एक अचीवमेंट होता है। तो इसके बारे में ये नोवेल है और हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर स्टार्टिंग देखें बुक की तो उसमें क्या है कि कैसे उनका नेबरहुड था, वो कितने फिल्दी से इन्वायरमेंट में रहते थे, वहाँ का कंडीशन बहुत ही ख़राब था, पिगलेट्स और ऐसे एनिमल्स वहाँ घूमते रहते थे, कीचड़, पानी भरा रहना, ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर। तो बताते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में पैदा हुआ, मतलब एक ऐसे वातावरण में मैं पला बड़ा हूँ। फिर वो बात करते हैं उनके स्कूल इंसिडेंट की, कैसे उनको एक कास्ट का नाम लेके ऐसे बुलाया जाता था कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से किसी को एड्रेस कर रहे हैं और वो जो कास्ट है उसे एक अब्यूज़ की तरह, एक गाली की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो उनको ये भी सभी झेलना पड़ा, क्योंकि वो जो अपना नाम था उसके पीछे अपना जो आइडेंटिटी था, एक सरनेम वाल्मीकि, वो यूज़ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। ये उनका पूरा स्टोरी है उस चीज़ के बारे में। तो एक दिन तो हद ही हो गई, उनको पूरा ग्राउंड साफ़ करने का पनिशमेंट मिला क्योंकि उन्होंने पानी को टच कर दिया था। तो ये जो पानी का स्टोरी है, ये आप हर किसी दलित जो भी ऑटोबायोग्राफी होगा या फिर टेक्स्ट होगा उसमें देख सकते हैं कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी की, वो तक भी उन्हें अवेलेबल नहीं है। चाहे फिर आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो वेटिंग फॉर वीज़ा है वो देखिए, या फिर कोई भी टेक्स्ट हो, जैसे कि मुल्क राज आनंद का भी अछूत है। तो कोई भी टेक्स्ट का आप एग्ज़ाम्पल लेंगे तो वहाँ पर आपको जो पानी का, गंदगी का, ये सारे जो सिम्बल्स हैं वो आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद बात आती है झूठन की, कि झूठन जो टाइटल है वो क्या सिग्निफाई करता है। तो झूठन की अगर बात करें तो झूठन का मतलब होता है बचा हुआ खाना। अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे लेफ्ट ओवर, तो वो आपके जो एक पेन है, एक एक्सपीरियंस है उसके अंदर का, वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। क्योंकि लेफ्ट ओवर तो बहुत एक नॉर्मल सा चीज़ है ना, कि हाँ ठीक है मैं खाना खा रहा था वो बच गया। लेकिन जो झूठन होता है उसका मतलब क्या होता है, लेट अस से कोई शादी हो रही है तो वहाँ पे आपने प्लेट में ज़्यादा खाना बचा डाल लिया, उसके बाद आप उसे खा नहीं पा रहे, तो वो जो सब बच गया, सब लोगों का झूठा एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको दिया जाता है, एक ऐसा बहुत ही रिवॉर्डिंग सा चीज़ लेके कि देखो हम तुम्हें खाना दे रहे हैं। उसमें भी ऐसा कुछ ये नहीं होता कि हाँ ठीक है वो फेंकना ही तो था, एंड वी गेव इट टू समवन, किसी का पेट भरेगा। लेकिन उसको भी इतना रिवॉर्डिंग सी चीज़ में देखा जाता है, बहुत ग्रैंड है ये कि हमने तो ना तुम्हें खाना दिया, तो उस भाव से उसे दिया जाता था। और जो ये दलित कास्ट था वो भी उस टाइम पे, मतलब उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं था, तो वो भी उस चीज़ को बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट करते थे, एंड इट वाज कंसीडर्ड एज अ ग्रैंड फेस्ट कि हाँ भाई आज तो बहुत अच्छा खाना मिलेगा। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उनकी मदर एक जगह गई थी शादी में, तो उनको बर्तन धोने का काम मिला था वहाँ पर। तो वहाँ पे जब उन्होंने अपने बच्चों के लिए और खाना मांगा झूठन के अलावा, तो उनको बहुत ऐसा ज़ोर से
डाटा फटकारा गया कि क्या आप अभी जो हमने खाना दिया है, जो लेफ्ट ओवर दिया है, उसमें आपका पेट नहीं भरता है, अब आप अच्छा खाना मांगेंगी हमारे जो ना हमारी शादी से ऐसा कुछ लेके जाएंगी। तो वो उस टाइम पे जो उनकी मदर है, उन्होंने जो रेजिस्टेंस दिखाया कि यू जस्ट कांट गिव अस सम फूड, आप क्या फिर किस चीज़ का आपका बड़प्पन है या फिर क्या ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाती हैं। तो वहाँ पे एक इमेज दिखाया गया कि गॉडेस काली का इमेज, तो वो यही दिखाता है कि रेजिस्टेंस की जो पावर है कास्ट के अगेंस्ट, जो एक कास्टिज्म का यू नो सिंबल है उसके अगेंस्ट, तो वो वहाँ पे गॉडेस काली का एक इमेज लगा के प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर उनको जो कास्ट के रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनको एक्चुअली क्या होता है कि जो दलित कास्ट होता है, दलित के अंदर भी बहुत सारी कास्ट आती हैं, तो उसमें क्या होता है सबका अलग अलग एक रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस होते हैं, सबके अपने अपने कस्टम्स होते हैं। तो उनका कुछ कस्टम था कि वो उनके गॉड एंड गॉडेस अलग थे, तो वो उनको कुछ सेक्रीफाइस एनिमल सेक्रीफाइस करते थे। बट वाल्मीकि वॉज नॉट रेडी फॉर दैट कि देखो मैं पढ़ा हुआ हूँ अभी एंड आई कैनॉट सेक्रीफाइस एनिमल। तो फिर उनको कैसे देखा गया कि तुम तो अपनी सोसाइटी, अब तुम दो अक्षर क्या पढ़ लिए, तुम तो अपनी सोसाइटी के जो कस्टम्स हैं और जो हमारे रीति रिवाज हैं सबसे बाहर निकलते जा रहे हो। तो जो भी आदमी एजुकेशन लेता था और जो इन कस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करता था उसको ऐसे देखा जाता था जैसे कि वो कोई एलियन फोर्स हो, कि क्या ही आप अपने सोसाइटी को अपने कल्चर को भूल रहे हैं। तो इस तरीके से था, तो उन्होंने अपने जो कस्टम्स हैं उनसे भी रेजिस्ट किया कि भाई देखो अब मैं ये कस्टम्स हैं जो उनको फॉलो नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं क्यों ही किसी एनिमल का सेक्रीफाइस करूँ किसी गॉड एंड गॉडेस के लिए। तो उस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं। उसके बाद फिर वो देहरादून जाते हैं, वहाँ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कास्टिज़म का जो सामना है वो किया। उनका पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा, उनको जहाँ बुक मिलती थी वो पढ़ते थे। फिर उनका सिलेक्शन होता है ऑर्डनरी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके अंदर, जहाँ पे उनको लगा कि अब तो ना मैं मतलब अच्छे से सेटल हो गया हूँ, तो मेरी जो सारी ऑपरेशन हो रहा था अभी तक, जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, अब सारी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन उनका जो ये होप था वो भी जल्दी क्रश हो गया जब उनको फील हुआ कि इतने अच्छी पोजीशन के आने के बाद भी उनको स्टिल कास्टिज्म का सामना करना पड़ रहा है। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि इंसान मर ही बेशक जाए लेकिन कास्ट है जो उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती, इंसान के साथ ही वो मतलब जैसे उसका बर्थ होता है कास्ट आती है और इंसान के साथ ही चली जाती है, नो वन कैन चेंज दैट। बस आप उसमें ये ऑल्टर कर सकते हो कि आप अपना लिविंग कंडीशन चेंज कर सकते हो बाय गेटिंग सम एडुकेशन, जिससे आप क्या होगा अपने जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको अफोर्ड कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो एक कास्ट का टैबू है वो आपके ऊपर हमेशा लगा रहता है, अगर आपको उसे हटाना है तो एजुकेशन इज़ द प्राइम की। वाल्मीकि जी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया लेकिन उन्होंने कभी जो अपना सरनेम था, अपने जो कास्ट का एक सरनेम था वाल्मीकि करके, उन्होंने उसे कभी नहीं हटाया। उनको बहुत बोला गया कि आप ये जो कास्ट का एक नाम है वो अपने नाम के पीछे से हटा लीजिए, फिर आपको कोई पहचान नहीं पाएगा, तो कोई यू नो ऑपरेशन नहीं होगा आपका, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बट ही वॉज़ लाइक कि नहीं देखिए, अगर मेरे नाम से ही लोग मुझे ओप्रेस कर रहे हैं तो वो तो एक टैबू ही हुआ ना, एंड आई विल टेक दैट। अगर मेरी आइडेंटिटी वो है तो मैं अपनी आइडेंटिटी को लेके चलूँगा। तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात यहाँ पे आती है कि आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करते हैं। तो जो ऑटोबायोग्राफी होती है दलित लिटरेचर की, बेसिकली वो किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं होती। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है, इट डजेंट मीन कि ये सिर्फ उनकी लाइफ के बारे में है, ये थाउजेंड्स ऑफ या फिर कहें मिलियंस ऑफ दलित्स के बारे में है जो कि अपने लाइफ के ऑपरेशन के बारे में इन्होंने लिख दिया। तो मतलब वो उनके बिहाफ पे लिख रहे हैं, उनमें उनकी फैमिली मेम्बर्स के नाम है, डजेंट मीन कि वो किसी और से रिलेट नहीं करेगा। आप हर तीसरे टेक्स्ट में ये चीज़ पाएंगे कि कैसे पानी का प्रॉब्लम था, खाने का प्रॉब्लम था और ये सारी चीज़ें। सो दिस आर द ऑल कॉमन फैक्टर्स। इसलिए जो दलित लिटरेचर है वो एक सिंपल लिटरेचर नहीं है लाइक मेन स्ट्रीम लिटरेचर की तरह, वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी की तरह देखा जाता है कि हम अपनी वॉइस को कैसे आगे रख पा रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी फॉर देम। So this was all about the text. I tried to complete almost all the important topics and themes of the text. Hope you understood that. And if you have any query, please drop that in the comment box. Thank you so much.